सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई वीडियो में। तो बहनों, आज हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनवाड़ी सेविका का आधार वेरीफाई और EKYC के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे आंगनवाड़ी सेविका का प्रोफाइल ओपन किया हुआ है, अभी इनका आधार वेरीफाई नहीं किया गया है। उसी के कारण यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो EKYC है इनका ओपन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इस आंगनवाड़ी सेविका का आधार वेरीफाई करना होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे EKYC कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनका आधार वेरीफाई करना होगा। चलिए हम आधार वेरीफाई करके दिखाते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे प्रोफाइल खुल चुका है। यहाँ पे आंगनवाड़ी सेविका का आधार नंबर नाम यहाँ पे पहले से ही मौजूद रहेगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में दिया गया हो वही यहाँ पे डालना है। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर पहले से ही इसमें भरा हुआ मिलेगा। कितने वर्षों का अनुभव है ये आपको यहाँ पे डालना है। उच्चतम शिक्षा योग्यता यानी कि कितना क्वालिफाई है ये सेविका, उसका डिटेल्स यहाँ पे भरना है। नीचे यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र का कोड और आंगनवाड़ी केंद्र का नाम देखने को मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे फटाफट से इस आंगनवाड़ी सेविका का आधार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया है। यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आधार के अनुसार डेट ऑफ बर्थ डाल लिया है। अगर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मिल गया है तो आप लोग यहाँ पे दर्ज करेंगे। बिना ईमेल आईडी के भी आप लोग यहाँ पे आधार वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार मार्क लगा हुआ है वही मैंडेटरी है। ईमेल एड्रेस है तो भरिए, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, कितने वर्षों का अनुभव है, आप लोग यहाँ पे अपने वर्षों का अनुभव डालना चाहेंगे कि आप आंगनवाड़ी में कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं, तो उसका यहाँ पे आप लोग ईयर आप डाल सकते हैं। उच्चतम शिक्षा योग्यता यानी कि आपने कितना पढ़ाई किया है वो यहाँ पे डालना है। मैट्रिक, इंटर, स्नातक, मास्टर डिग्री जो भी हो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर जमा करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो खाते को सफलतापूर्वक अपडेट किया गया, यानी कि यहाँ पे आधार वेरीफाई सफलतापूर्वक हो चुका है। अब हम लोग फिर से यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट वाले ऑप्शन में आएंगे और देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो प्रोफाइल अपडेट है वो हुआ है या नहीं। ठीक है, तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि हमने आपके सामने ही यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट किया है, बट यहाँ पर अभी इनका जो प्रोफाइल अपडेट है वो नहीं हो पाया है। कुछ देर यहाँ पर वेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टाइम बाद यहाँ पे जो इनका आधार वेरीफाई है वो यहाँ पे दिखाने लगा है, बट यहाँ पे जो ग्रीन टिक लगता है वो यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, माध्यमिक शिक्षा जो हमने यहाँ पे आधार वेरीफाई करते हुए टाइम डाला है वो यहाँ पे अब दिखने लगा है, और यहाँ पे EKYC का भी ऑप्शन यहाँ पे खुल गया है। ठीक है, तो अब इनका जो EKYC वाला ऑप्शन है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आप लोग आसानी से इनका EKYC कर सकते हैं। EKYC कैसे करना है इस वीडियो के एंड में आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से आप लोग इसको EKYC कैसे करना है ये देख के आप लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।